इस वीडियो के थंबनेल को देखकर जिन लोगों के मन में ये विचार उठाए कि यार आज तो रिया मैम बोर करने वाली है, तो उन लोगों से एक खासा गुजारिश है मेरी कि अभी के अभी इस वीडियो को बंद करें। ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है। इस वीडियो में मैं जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ वो एक नारी प्रधान विषय है और मेरी इस वीडियो में जो देखने वालों की जो संख्या है वो पुरुषों की ज्यादा है। तो हो सकता है कि लोग इस वीडियो को कम ही पसंद करें, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय वो है जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ कि आने वाले समय में एक नारी खुद को कितना बदले और क्यों बदले। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम नारी जाति के इतिहास के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो बात शुरू करते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल में नारियों को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता था, उन्हें शिक्षित होने का भी अधिकार था, उनकी शादी भी परिपक्व हो जाने के बाद ही की जाती थी, वो भी उनकी मर्जी से स्वयंवर रचा जाया करता था। मध्य काल में जिसे मेडिवल इंडिया भी कहा जाता है, स्त्री की स्थिति में गिरावट आना शुरू हुई, नारी जाति का शोषण होना शुरू हुआ, बाल विवाह के रूप में और पुनर्विवाह पे रोक लगा दी गई, पर्दा प्रथा शुरू कर दी गई और पर्दे के पीछे नारी को कैद कर दिया गया। इसके बावजूद भी अनेक नारियों ने जैसे रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, शिवाजी की माता जी जीजाबाई, इन्होंने अपने साहस का लोहा मनवाया। इसके बाद अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई, जहां अंग्रेजों ने हमारे भारत को बिल्कुल पंगु बना दिया, उसे बेच दिया, इकोनॉमिकली उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कड़वा सच है कि भारतीय नारी की जो स्थिति है उसमें सुधार अंग्रेजी राज के टाइम से ही आना शुरू हुआ, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उल्लंघन करना शुरू किया, जिसमें कितने ही अंग्रेज गवर्नर ने उनका साथ दिया, इसे सपोर्ट किया। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि जब हमारे देश को संविधान मिला तो उसमें स्त्रियों को सुरक्षा, सम्मान, पुरुषों के समान अवसर और शिक्षित होने का अधिकार मिला, लेकिन अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच और कमजोर सामाजिक ढांचे की वजह से भारतीय नारी इन अवसरों का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाई। बचपन में वो अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने पुत्र के ऊपर ही निर्भर रह गई। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, बॉलीवुड, फैशन, मनोरंजन की दुनिया में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया। तो जिस तरह से हमारे देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ, सेम इसी तरह से भारतीय नारी की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया। ये विकास नहीं तो और क्या है कि आज गांव की औरत भी अपने ससुराल जाने से मना करती है कि मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो भारतीय नारी है वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है, हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी है कि वो किसी से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो खुद को और कितना बदले और क्यों बदले। और ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हमारे समाज में कुछ उच्च शिक्षित नारियां भी ऐसी हैं जो कि जरूरत से ज्यादा कम कपड़े पहनकर रोड पर चलना और नशा करना इसको वांछित बदलाव समझती हैं, और उनके पास इस बदलाव का कोई तर्कयुक्त जवाब भी नहीं होता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो औरत है वो अपने जीवन में घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए नहीं बनी है, और ये भी जरूरी नहीं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में खुद को इतना झोंक दे कि ना वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ना ही अपनी खुशियों का, ना ही अपनी इच्छाओं का, और ना ही अपने फिजिकल और सेक्सुअल प्लेजर का। उसे तो देखो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसे अपने घर में उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना किसी पुरुष को घर के बाहर जाकर दो पैसे कमाने के बाद मिलता है, और अगर उसे ये सम्मान नहीं मिल रहा है तो उसे इस सम्मान को पाने के लिए खुद को कठोर भी बनकर दिखाना होगा, एक्शन भी लेना होगा। घर में मैं जो जिम्मेदारी निभा रही हूं, अगर मैं तुमसे उसकी कीमत नहीं मांग रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। परिवर्तन जो है वो जिंदगी का नियम है। आप खुद सोचिए, जो 10 साल पहले आप जो जिंदगी जी रहे थे, क्या आज आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हो? और अगले 10 साल बाद क्या आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा? वो ऐसी ही चलती रहेगी, इसी थर्रे पे। तो बदलाव चाहे पुरुष की जिंदगी में आए या नारी की जिंदगी में, वो परिस्थिति और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए ताकि अनावश्यक टकराव से बचा जा सके, दो लोगों की जिंदगी में हलचल ना मचे उस बदलाव से। तो बदलो, किसने मना किया है? स्थिति के हिसाब से तो आपको बदलना ही पड़ेगा, और तब तक बदलते रहना पड़ेगा आपको जब तक ये जिंदगी है। बाय द वे, टॉपिक मैंने ऐसे ही नहीं उठाया,
एक लेडी है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टा पे, उन्होंने अपनी जिंदगी की मुझे संघर्ष भरी कहानी सुनाई और अपने लाइफ में उन्होंने किस तरह के उनके लाइफ में चेंजेस आए, किस किस दौर से वो गुजरी, वो सारा उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि रिया मैम, मैं कब तक अपने आप को बदलूं? वैसे बदलने के बाद मुझे फायदे भी बहुत हुए हैं, लेकिन कब तक? मैंने उन्हें बोला कि चलो आपने तो मेरे को एक टॉपिक दे दिया कि एक नारी की स्थिति और उसके चेंजेस, मतलब उसने जो मुझे अपने लाइफ के बारे में चीजें बताई और इसके ऊपर तो बात की जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें मैंने नारी जाति का इतिहास, प्रेजेंट टाइम और उसे हर तरह से रिलेट किया है। जो भी लोग लास्ट तक इस वीडियो को टिके हैं देखने के लिए, थैंक यू सो मच।